दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मुस्लिम स्टाइल में खुरमा पुलाव, जो कि चिकन से बनाएंगे चिकन खुरमा पुलाव। अभी देखिए, हम लोगों ने आधा केजी चिकन ले लिया है और आधा केजी चावल लिया है। तो चिकन और चावल को अच्छी तरह से धो लिया है। फिर हम लोग अभी अपने एक पतीले में हम लोग जो है तेल देंगे, रिफाइन ऑयल, और प्याज देखिए हम लोगों ने काट कर रख लिया है, और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो रेडी कर लिया है। अभी तेल गरम हो गया है तो उसमें हम लोग थोड़ा गरम मसाला दे देंगे, जो कि भुनने के लिए उसे। फिर उसके बाद हम लोग प्याज दे देंगे। अभी प्याज और तेज़पत्ता हम लोगों ने ऑयल में दे दिया है, तो इस प्याज को हम लोग ब्राउन होने तक भुनेंगे। जब ये ब्राउन होने लगेगा, देखिए ये कितनी सुंदर से ब्राउन हो गया है सारा प्याज जो है, तब हम लोग इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो ऐड करेंगे, ताकि जो चावल और जो चिकन है अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए और बहुत ही सुंदर दिखे ये जो पुलाव है। और इसीलिए हम लोगों ने प्याज को ब्राउन कर लिया। अभी जो प्याज है वो अपना रंग छोड़ेगा, और अदरक लहसुन का पेस्ट तो हम लोगों ने ऐड कर दिया। तो इसमें हम लोग स्वाद अनुसार अभी नमक भी ऐड कर देंगे। अभी नमक देने के बाद हम लोग जो ये चिकन हम लोगों ने धो के रखा था, तो वो सारा चिकन इसमें दे देंगे। क्योंकि चिकन आगे दे रहे हैं, क्योंकि चिकन का जो महक है ये इसमें भून कर हम लोग वो भी चला जाएगा, और चिकन में जो ब्राउन कलर है वो आ जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने पहले चिकन को भून लिया है। इसके बाद हम जो चावल धो के रखे थे वो चावल ऐड करेंगे। चिकन को थोड़े देर के लिए पकने के लिए हम लोगों ने छोड़ दिया है। अभी जो ये चावल है, देखिए हम लोगों ने एक साथ चिकन और चावल दोनों को दे दिया है। देने के बाद इसको अच्छी तरह भूनेंगे, जब तक चावल और चिकन में ये ब्राउन कलर जो है वो आ जाए, तब तक हम लोग अच्छी तरह से ये भून देंगे। भुनने के बाद अभी हम लोग इसमें पानी ऐड करेंगे, जितनी कि हमें पकने के लिए चाहिए। चिकन और चावल जो है पकने के लिए जितना पानी चाहिए उतना पानी ऐड करेंगे। और जो हो और जो दोस्तों, ये मेरा हिंदी है बिल्कुल, फिर आगे भी मैं बोलती थी, अभी भी मैं बोल रही हूँ जो अच्छी नहीं है, तो फिर भी बोलने के लिए कोशिश करती हूँ अच्छी तरह से, तो आप लोग जो है समझ जाइएगा, और अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, और अगर कुछ सुधारना है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। मैं अच्छी कोशिश करूँगी कि जो मेरी हिंदी है सुधर जाए। और अभी देखिए, ये हम लोगों ने पानी दे दिया है, अभी गैस पूरा फुल फ्लेम में है, अभी ये उबल रहा है, ये जो बॉयल हो रहा है चावल और चिकन। तो इसके बाद ये देखिए, हम लोगों का पुलाव जो है रेडी हो गया है। चावल पक चुका है, चिकन पक चुका है, अभी हम लोगों का ये कुरमा पुलाव जो है रेडी है। और आज इफ्तारी में हम लोगों ने ये पुलाव बनाया था, और बहुत सारे जो नाश्ते हैं वो भी बनाया था, कीमा जो चिकन का कीमा होता है वो भी बनाया था, और अंडे बॉईल किए थे, और चना दाल का जो वो सिंघाड़ा टाइप वो भी बनाया था। तो वो देखिए, एक चॉप ये कीमा का जो सिंघाड़ा है ये बनाया था, और एक बॉईल किया था, तो हम लोगों ने बहुत आज रेडी किया था।